अल्लाह खैर करेगा। मैं आऊं तो दो। हिल रही है छत। ना जाओ फिर। दो। नहीं यार वो मोर जा रहा है बहुत आगे। अगर यहाँ से गिरे ना नीचे धड़ाम, वो देखे मोर वो जा रहा है हमारा। यार इतना गहरा क्यों कर रहे हो अमित भाई? भाई जी ने गट्टू को छुपाना है। तो यार हम ना अभी आड़ू का पौधा लगा रहे हैं और हामिद भाई ना इसको कवर करके ना अंदर लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि कल को ना इसको अगर उतारना पड़े तो फिर हम इजीली इसको उठा के ना इधर शिफ्ट कर दें। तो ये भी बात उनकी ठीक है, अभी फिलहाल हम ऐसे ही लगा रहे हैं, कल को फिर हम इसको उतार लेंगे। चलो भाई चलो 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 चलो। तो फाइनली दोस्तों हमारे आड़ू का पौधा लग चुका है, ये आरजी लगाया है हमने, कल को हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ओके हामिद भाई मिलते हैं। चलो यार गाबे का टाइम हो गया है। गाबा नहीं है उसका नाम, माशा नाम रखा है तुमने। हाँ माशा माशा। ये कितना लेके आए उसे पैन? ये तकरीबन 1 लीटर है। चलो फिर डालो इस फीडर में। माशा को मैं पिलाऊंगा भाई। क्यों आज मैं पिलाऊंगा? मैं एक मिनट, ये गिरा ना मुझे कुछ नहीं कहना। सिप्तेन क्या कर रहे हो ये? आई एक मिनट हटो, मुझे करने दो ना। अभी हो जाएगा। वेरी गुड सिप्तेन, ये आ गया जी सारा दूध हो गया। अब पी लो। तकरीबन दोस्तों 1 लीटर दूध है ये। अब हम अपने माशा को फीडर पिलाने वाले हैं। आज अभी माशा शाबाश, ये लो पी लो ना। आजो 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 आ जाओ। कब से बैठा हुआ है, आ नहीं रहा था। आ जाओ आओ ना, आजो जल्दी से बड़े हो जाओ। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, माशा को पता चल गया है कि मुझे खाना मिल रहा है अब ऐसे। कितना क्यूट लगता है यार जब ये फीडर पी रहा होता है। इसको दोस्तों हम 3 टाइम पिलाते हैं, पहले हम 2 टाइम पिलाते थे, ऐसे ऐसे करके इसकी खुराक हम बढ़ा रहे हैं। और दूसरी टाइम जो हमने लिया है ना ये बाहर से लिया है गाय का दूध, क्योंकि गैया ना सुबह और शाम देती है, दोपहर को नहीं देती। लेकिन ये गाय का ही है, ऐसा नहीं कि ये मिक्स जैसे होता है मिलावट वाला, वो नहीं है, खालिस है। चलो अच्छी बात है, पी लो पी लो। इस तरह तो फिर इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो इसको नीड होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। गुड यार गुड। पीछे भाग रहे, जहां जहां दूध होगा वहां वहां आएगा ये। ओए भाई इधर इधर, मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास वो देखो पास। मुझे समझ रहा है ये, देखो थोड़ा ये समझ रहा है दूध है, एक मिनट हटाना ये देखो। अबे कुछ नहीं आएगा, ये है भाई ये लो। देखो हाथ खराब कर दिया। आई तो यार हमने दूध तो इसको पिला लिया, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रखे था और दो। हालांकि दूध खत्म हो गया, इसकी डोज पूरी हो गई है, अब ज्यादा भी नहीं दे सकते। देखो कैसे पीछा कर रहे हैं यार, ज्यादा नहीं दे सकते, तुम्हें सेहत खराब हो सकती है। 1 किलो दिया है अभी, काफी है इतना। हाँ तो मेरे हाथ में दोस्तों कुछ सामान है जो कि हमारे परिंदों के लिए है। जैसे कि आपको पता है यार मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है सर्दी में। पहले हमने थोड़ा बहुत बंदोबस्त किया हुआ था, ये देखें ये तरपाले वगैरह ना हम रात के टाइम नीचे कर देते थे। वो देखें उधर एशरफियोना की भी लगी हुई है और पिजन्स की भी लगी हुई है, रात को हम इनको नीचे गिरा देते हैं। लेकिन अब मैं लेके आया हूँ लाइट्स वगैरह जो कि हमारे परिंदों को हीट देने के लिए काम आएंगी। तो चलो यार सिप्तेन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये हैं 200 वाट। हाँ कितनी है ये? ज्यादा है यार, 5-6 बल्ब लिए मैंने, ये देख रहे हो। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद ना इसकी सेटिंग करानी है। ये तार भी आई है, सारा ना तार है इसमें। ये रख दो अभी, ये जस्ट दिखाना था तुम्हें। बड़े वाले ये तो। हाँ ना इससे हीट आएगी ना, परिंदों को सर्दी नहीं लगेगी। आज लग जाएंगे? आज नहीं कल लगेंगे, कल सुबह काम होगा। अभी सामान आ गया है, कल सुबह फिर भाई आएंगे वो लगा देंगे, ठीक है? तो यार ये सारा कुछ करना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है, सर्दी बहुत ज्यादा। क्यों डरा दिया सिप्तेन? यहाँ ना रखो, बाहर ले आओ इसको। अच्छा? सर्दी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है यार परिंदों के लिए, एक दफा लग जाए ना फिर दूर नहीं जाती, इनसे बीमार करके इनको छोड़ती है। आ जाओ सिप्पी बाहर। और बीमारी ऐसी आती है कि जान भी ले लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है यार। हमने अभी भी देखा हमारा एक मोर ना, वो देखिए वो कितना दूर चला गया, वहाँ पर बैठा हुआ है यार। रास्ता भटक गया सिप्तेन ये बेचारा, अब क्या होगा? काफी दूर है यार, काफी दूर है। वो कहते हैं कि इसकी छत पे जाके बैठा, इसको पकड़ना पड़ेगा जाके। जल्दी आओ जल्दी आओ, चलो चलो चलो। दूर है? ओए होए होए,
कोई रास्ता है तरफ जाने का? वो बहुत आगे चला गया, उधर चला गया। हाँ, उधर चला गया। अब कैसे जाएं यार? मुझे नीचे जाना पड़ेगा। वही तो, आप गिर जाओगे यहाँ से, कोई रास्ता नहीं है। घूम हो जाएगा यार, कोई और रास्ता ढूंढते हैं ना। यहाँ से टूट जाए छत फिर क्या होगा? नहीं टूटती, एहतियात से जाओ फिर। हैं ईंटें हैं ये तो। हाँ ये गिर जाएंगी, ईंटें गिर जाएंगी, देख के जाओ यार। तो अभी क्या कर रहे हो तुम? ये रख दो, रख दो, रख दो। ये लो, मैं आऊं कि ना आऊं? तुम ना आओ। ठीक है, ये लो मोबाइल। तो यार बहुत ही नाजुक छत है, कुछ भी हो सकता है भाई, मैं गिर भी सकता हूँ। सिप्तैन आराम आराम से जाना बस। हाँ एक मिनट में चेक कर लूँ, पहले मजबूत तो है ना। ओए यार हिल रही है ये तो। अल्लाह मालिक है यार, अल्लाह खैर करेगा। मैं आऊं तो बता दो। हिल रही है छत। राब ना जाओ फिर, रहने दो। नहीं यार वो मोर जा रहा है बहुत आगे। मोर के चक्कर में तुम्हारा ना निकल जाए मोर। पहुंचने वाला, पहुंच गया दोस्तों। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। किधर है वो? है वो, देखें दोस्तों वो है हमारा मोर, वो बैठा हुआ है। तुम भी आओ, आ जाओ, कुछ नहीं होता, मजबूत है छत। आ जाओ, आ जाओ, ध्यान से ईंटों का ध्यान करना, वजन नहीं देना। आ जाओ, आ जाओ। तो यार अब सिप्तैन भी आ रहा है, बस एहतियात से। दो बंदे हो जाएंगे ना, सही हो जाएगा, अकेले में नहीं होता यार मुझसे कंट्रोल। वो बहुत आगे चला गया, वो देखें दोस्तों कितना आगे चला गया, वो बैठा है सामने। आ जाओ। तो अभी देखते हैं मोर कहाँ तक में लेके जाता है। यार छतें यार कहाँ तक ले जाएंगी ये तो भाई, पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगी। रास्ता नहीं है यहाँ पे, ये है। ओ भाई साहब अब कैसे जाएं? अगर यहाँ से गिरे ना नीचे धड़म। वो देखे मोर, वो जा रहा है हमारा भाई। काम खराब है, चलांग मारो, चलांग तुम ना मारो, तुम्हारा काम नहीं। ये देखो बहुत, ये तकरीबन है कोई 4-5 फुट है, तो मुश्किल है यार। और ये ऊपर है थोड़ा सा, ये नीचे है वो ऊपर है, मुश्किल होगी। तुराब तुम नहीं कर सकते, कभी भी ना करना ये काम। इसको बुलाओ प्यार से। इतना दूर चला गया हमारा मिनी जू, इतना दूर है वहाँ पे यार, कैसे लेके आऊँ इसको मैं? भूल के भी नहीं करना, हड्डियाँ टूट जाएंगी तुम्हारी। तो हमने बहुत कोशिश की कि हम जंप शंप कर रहे हैं, लेकिन यार बहुत डर लग रहा है, नीचे गिर जाएंगे तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी, तो हम रिस्क नहीं ले रहे। और मोर हमारा वहाँ पर है, हमने तो उम्मीद छोड़ दी कि वो खुद ही वापस पीछे की तरफ आएगा, तो कोई काम होगा। ऐसे तो भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई, हमने तो हार मान ली अभी तक। तो देखते हैं वो कब इस साइड पर आता है। तो यार हमारा मोर पता नहीं किस साइड पे चला गया है, हम उसको अभी पकड़ नहीं सकते क्योंकि हम छतों पर हैं। तो देखते हैं कहीं और से हमें मिलता है। तो अभी तो हम वापस जा रहे हैं मिनी जू की तरफ, तो पार्क का बाद में देखेंगे, अभी तो यहाँ से चले यहाँ तक। चलो चलो चलो, हो गया यार ऐसे, इसको तो रास्ता पता था, यहाँ से रोज आता जाता था। बस वो आगे ज्यादा चला गया ना, हम क्या कह सकते हैं। मोर ने बड़ी टेंशन दे दी दोस्तों, पता नहीं अब वो कहाँ चला गया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, छोड़ दो, आ जाओ, आ जाओ। तो अभी दोस्त हम मोर के पास जा रहे हैं। पहले तो छत से गए थे, वो डर रहा था आगे चला गया था, अब नीचे से जाते हैं और देखते हैं यार वो हमें नजर आता है। आ गया तो फिर हम उसको डरा देंगे। चलो यार जितने जल्दी चलो यार, ये ना हो के किसी और मोहल्ले में चला जाए। ओके ओके ओके। तो हम दोस्तों वापस जा रहे हैं, अभी कॉल आई है वहाँ भैया की कि जल्दी जल्दी घर आ जाओ, मोर आया हुआ है घर में। सिप्तैन ने बड़ी यार ड्रामेबाजी की हमारे साथ, डरा दिया यार, हमें इतना मेहनत कराई, अब खुद ब खुद घर आ गया है। कोई हाल नहीं यार इनका भी। हाँ भाई ये बैठा हुआ है भाई, आ गया। पहले बता देते कि तुम्हें रास्ता पता है घर का, इतना दूर चले गए हम तो डर गए कि पता नहीं अब कहाँ चला जाता है ये, मतलब जहाँ पे घूमता रहे हम फिक्र ना करें। हाँ हाँ अब इसको रास्ता पता है, कितना दूर गया होता, आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसको सब कुछ पता है, हम बस डर गए थे। जानवरों को कैसे रास्तों का पता होता है, हमारी कैसी वैसे भाग गई थी ना, ये भी फौरन फिनिशो में आ गई थी, पता भी नहीं चला था, हम कितना सरप्राइज हो गए थे कि कैसे आ गई है। वैसे मोर भी आ गया, मोर ने भी वैसे ही किया है। कबूतर भी आ जाते हैं, मुर्गियां भी आ जाती हैं, ऐसे ही बकरे भी आ जाती हैं। अगर हमने स्कार को बाहर छोड़ा ना, ये घर वापस नहीं आएगा बिल्कुल भी। हाँ 2-3 बंदों को मार के शायद आ जाए वापस, इसलिए तो खोलते नहीं इसको, बाहर कभी नहीं लेके गए। यार मिनी जू में सिर्फ जो सबसे ज्यादा शरीफ है ना, वो ये बकरियां हैं हमारी,
कहीं ना भागती हैं ना हमें तंग करती हैं, बस इनको खाना और पीना, बस ये दो काम आते हैं, जो कि कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें तंग नहीं करती, आराम से खाती पीती रहती हैं, अपना जिंदगी गुजार रही हैं। ठीक है ना द्राब, ऐसा ही है ना। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आओ ऊपर चलो। क्या सुन रहे हो? इनकी जो कर्च कर्च की आवाज है ना, बड़ी अच्छी लगती है। तो तुम्हें दिया तो था कि खा लो, तुम भी कर्च कर्च करते फिर यार देखो। अच्छा आओ ऊपर चले।